सुशांत सुसाइड केस में एक और खुलासा। आध्यात्मिक गुरु ने किया ये खुलासा। सुशांत का इलाज कराना चाहती थी रिया। आध्यात्मिक गुरु से किया था संपर्क। आखिर क्या है मामले की सच्चाई? जी हाँ, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भले ही 2 महीनों से ज्यादा का समय हो गया हो, लेकिन अभी भी ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज इस मामले में कोई ना कोई नए खुलासे होते रहते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक आध्यात्मिक गुरु ने रिया चक्रवर्ती को लेकर नया खुलासा किया है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत का इलाज करवाने के लिए रिया ने उनसे संपर्क किया था। आध्यात्मिक गुरु महेश सदाशिव जोशी ने हाल ही में एक चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उनका दावा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उनसे संपर्क साधा था। आध्यात्मिक गुरु ने बताया कि उन्हें रिया चक्रवर्ती ने गूगल पर ढूंढा, उसके बाद उनसे संपर्क किया। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक गुरु महेश सदाशिव ने नेशनल टीवी पर बताया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से 22 नवंबर को मिला था। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। 23 नवंबर को भी मैं उनसे फिर मिला और उस समय सुशांत काफी बेहतर लग रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने मुझे गूगल पर ढूंढा था। वहीं इस मामले में मुझे बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी बुलाया गया, लेकिन कोरोना महामारी के चलते मैं नहीं गया। बता दें, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती सुशांत सुसाइड केस की प्राइम सस्पेक्ट हैं। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने आरोपों में कहा है कि रिया ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया है। साथ ही सुशांत के पैसे हड़पने का भी आरोप रिया पर लगाया है। अब इस मामले में रिया चक्रवर्ती समेत उनके पिता और भाई से ईडी पूछताछ करने में लगी है। बता दें, 14 जून को सुशांत ने अपने बांद्रा स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी फंदे से दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई थी। लेकिन सुशांत के फैंस ये मानने को तैयार नहीं हुए कि ये मामला आत्महत्या का है, जिसके बाद अब इस मामले की जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।